पिछले महीने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने दावा किया कि 19वीं सदी में हुए संत शिरडी के साई बाबा मुसलमान थे और उन्हें हिंदुओं से उनकी पूजा नहीं करने की अपील की। आपके किस पुराण में लिखा है कि शिरडी का साई बाबा पैदा होगा? तो वो भगवान तो नहीं हो सकता, वो मांसाहारी था। तो क्या आप ऐसा गुरु उचित समझते हैं? भगवा पार्टियां इस मसले पर खामोश रहे, जबकि विरोधी दल देश दुनिया के नाराज हजारों साई समर्थकों के साथ खड़े दिखे। साई बाबा जन्म के कौन होते? ब्राह्मण होते का तो मुस्लिम होते करते अनखिल कुले होते, ये संबंधित खुला मुझे जाने सा खुला विचार नहीं। लेकिन चुनावों में सांप्रदायिक ताकतों को हराने की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अपील पुणे के सादिक शेख पर लागू नहीं हुई। बीते जून में उनके बेटे मोहसिन को पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ये घटना फेसबुक पर शिवाजी और बाल ठाकरे की एक तस्वीर को लेकर उठे विवाद के बाद हुई थी। हथियारबंद भीड़ उस 24 साल के आईटी प्रोफेशनल नौजवान को नहीं जानती थी, लेकिन नमाज पढ़कर लौटते वक्त सर पर मौजूद टोपी की वजह से उसे निशाना बनाया गया। भाई को जो मारा उसको सिर्फ दाढ़ी वगैरह टोपी देख के मारे, तो दाढ़ी टोपी देखने के बाद भी लोगों का नजरें बदल गया कि दाढ़ी टोपी ही ये मुस्लिम है। पुलिस ने मोहसिन के कातिलों की गिरफ्तारी में फुर्ती दिखाई, लेकिन राज्य के गृह मंत्री रहे एनसीपी नेता आरआर पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा था, न कि सांप्रदायिकता से। जबकि हिंदू राष्ट्र सेना का मुखिया धनंजय देसाई तब पुणे की बस्तियों में मुस्लिम विरोधी पैम्फलेट बांटने के आरोप में जेल में बंद था। हिंदू राष्ट्र सेना इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फैसिज्म का असली अर्थ है बंधुभाव। हिंदुओं में बंधुभाव जागृत करने वाली हिंदू राष्ट्र सेना अमर रहेगी। हिंदू राष्ट्र सेना ही संघटना नाइट्स, एक टोळी आहे टोळी, गैंग आहे गैंग, आणि ती देशाच्या शत्रूंविरुद्ध गैंग वॉर करणार आहे, टोळी युद्ध करणार आहे। मोहसिन के पिता और दोस्तों का मानना है कि उन्हें इंसाफ तब मिलेगा जब फेसबुक पर विवादित तस्वीर को अपलोड करने वाला गिरफ्तार होगा और सेना पर बैन लगेगा। मेन मुद्दा ये है कि शुरू जहाँ से हुआ वो आईपी एड्रेस वो करने वाले बंदे वो अभी तक का मिले नहीं है। गवर्नमेंट अभी तक का ये नहीं पता कर सकती कि वो इंस्टिगेट करने वाले कौन थे और वो मामला पूरा दब गया। हम ये जरूर चाहते हैं कि जिन्होंने ये चीज की है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, और हमारा गवर्नमेंट से मुतालब यही है कि वो उस तंजीम को जो आप पाबंदी डाली है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है। होना ये चाहिए था कि अभी उनकी ज़्यादा इंक्वायरी होकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहले उन पर पाबंदी आयद करना चाहिए था, मगर वो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन परिवार की मांग पर ध्यान देने के बजाय राज्य एंटी टेरर स्क्वाड उनसे पुणे में हुए दो कम ताकत के धमाकों के बारे में पूछताछ कर रहा है, जिसमें दो लोग जख्मी हुए। ATS वाले कम से कम 3 से 4 बार हमारे घर पे आके हमारा नंबर ले रहे हैं। हालांकि बम फूटा यहाँ पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई के पास, वो बम फूटने के बाद कम से कम 3 बार ATS वाले आके हमारे घर पे आके हमारा नंबर, हमारे घर वालों का नंबर, पुणे में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या है, वो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे हम ही गुनाह किए हमें बम फूटे यहाँ पे। ये गलत है ना, ये अभी लास्ट 2 महीने की पहली बात है, ब्रदर की डेथ की बात कर, जो यहाँ बम स्पॉट बम फूटा था ना, छोटा सा बम फूटा था, उसके बाद ATS वाले, और उनको लीगली उनको वो ये भी नहीं है, हक भी नहीं था उनको लेने का। उन्हें लगता है कि ATS उन पर मोहसिन की मौत का बदला लेने का शक कर रही है। अब यहाँ पे हिंदू तंजीम है तो उसको झूला छोड़ रहे हैं, जो विक्टिम है उन्हीं से पूछा जा रहा है, उन्हीं का प्रोफाइल लिया जा रहा है, तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है मुसलमान बच्चों में। तो ये कहता हूँ कि इस तरह की अगर स्टेप गवर्नमेंट लेगी तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग द टेररिस्ट। पुणे में बेटे को नौकरी मिलने के फौरन बाद ही सादिक शेख ने शोलापुर में अपने कारोबार को बंद कर दिया। जब मोहसिन की हत्या हुई तो वो इकलौता कमाने वाला था। ऐसे में सरकार ने छोटे भाई को रोजगार देने का वादा